अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं मेहरान टीवी और मैं हूं अबूजर आज हम बर्ट्रैन रसल जो कि एक ब्रिटिश फिलासफ़र हैं जिन्हें बीसवीं सदी का यानी 20th सेंचुरी का अजीम फ़िलासफ़र कहा जाता है उनके दो एसेज यानी फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड इंसानियत का मुस्तकबिल और फंक्शंस ऑफ ए टीचर यानी उस्ताद के उमूर इन दोनों एसेज की जो है वो एक्सप्लेनेशन करेंगे बर्ट्रेंड रसल 18 में 1872 में पैदा हुए और 2 फरवरी 1970 को इनका इंतकाल हुआ वो एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे एक लॉजिशन थे यानी मनतकी दान एक मैथमेटिशियन थे हिस्टोरियन थे सोशल क्रिटिक और जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे इन्होंने जंग के बारे में बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जब अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया था इनका जो असर है वो बहुत सी फील्ड पर है यानी लिंग्विस्टिक पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कॉग्निटिव साइंस पर कंप्यूटर साइंस पर फिलोसफी स्पेशली फ़िलोसफी ऑफ लैंग्वेज एपेस्टिमोलॉजी एंड मेटाफिज़िक्स इन्हें इनके काम की बदौलत 1950 में अदब का लिटरेचर का जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया अब हम जो इनका ऐसे है वो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर ऑफ मैन का इंसानियत का मुस्तबिल रसल का ख्याल है कि इस सदी के अख्ताम तक इस सेंचुरी के अख्ताम तक अगर कोई वाज़ फ़ैसला नहीं हो पाता तो इंसानियत तीन बड़े ख़तरा से दोचार हो जाएगी वो तीन मुमकिन बयान करता है पहला इम्कान ये है कि इंसान ज़िंदगी इंसानी ज़िंदगी बल्कि इस स्यारे की तमाम जिंदगी ख़त्म हो जाएगी दूसरा मकान ये है कि एक बड़ी तबाह कुन जंग के बाद इंसान फिर बरबरीत पर वापस आ जाएगा और तीसरा मकान ये है कि दुनिया मतहद होकर एक वाहद हकूमत के तहत हो जाएगी जिसे तमाम दुनिया की अस्करी अस्करीतों पर गलबा हासिल होगा यानी सिर्फ़ एक बंदे की एक मुलक की पूरी दुनिया पर हकूमत पहला इमकान तब गालब है अगर अगली जंग अजीम का कोई नतीजा ना निकले जिसके नतीजे में मज़ीद एक होलनाक जंग हो दूसरा मकान इस सूरत में अगर अगली जंगीम तमाम इंसानियत को तो ख़त्म ना करे मगर इस कदर तबाही फैला दे कि इंसान दोबारा से एक तहज़ीब याफ़्ता मखलूक के तौर पर आगाज़ करना पड़े इंसान को तीसरा इमकान एक तो ये है कि जंगीम के ज़रिए हो ठीक है या फिर ये गुफ्तु के ज़रिए भी हो सकता है या फिर आलमी ताकतों में से एक ताकत के ज़रिए जिसने दूसरों पर वाज़ या बरतरी हासिल कर ली हो या फिर एक जंग के बाद जिसमें रूस और अमेरिका में से एक फ़ैसला कौन फातः करार पाए वो लोग जो आलमी हकूमत से इनकार करते हैं दरअसल समझते हैं कि ये सिर्फ गुफ्तु यानि डायलॉग के ज़रिए ही मुमकिन है करीब अजामक है कि अगली जंग में तमाम मगरबी यूरोप और अज़ीम बरतानिया तबाह हो जाएगा ग्रेट ब्रिटन और ये तमाम कौमें एक आलमी हुकूमत की जानब मजीद रागब हो जाएंगी रसल आलमी हुकूमत के हक में मवसर मफादात की पेशगोई करता है खवा यह किसी भी तरीके से मारज़ वजूद में आएँ यहाँ तक के मौजूदा पुरख और बद अमनी के हालात में अगर रूस के जरिए भी आलमी भीकूमत आए तो बेहतर होगी मगर कई एक वजूहत की बिना पर असल अमरीका को आलमी के हाकम के तौर पर ज्यादा तरजीह देता है बुनियादी वजह यह है कि अमरीका इन अकदार की अलामत समझा जाता है जो आज़ादी तहजीब और इंसानियत से ताल्लुक रखती है मजद यह कि अगर अमरीका फातह करार पाता है तो ये यकीनी तौर पर मगरबी कौमों के अतिहाद से एक सबसे बड़े रुकन की सूरत में होगा और वह तमाम कौमें अमरीका पर एक मुफीद नज़र या रोक रोक टोक भी रखेंगी इसका मतलब ये होगा कि एक आलमी हुकूमत के बावजूद कौम सकाफतें अपना कौमी ए, कौमें जो हैं वो अपनी सकाफतें भी और अपना वजूद भी बरकरार रखेंगी ज़रूरत इस बात की है इंसानी नस्ल के, के मुतमल, मुकमल मुकम्मल तौर पर इनहत पज़ी होने के इम्कान को या फिर इंसानियत के इब्तई कबाली बरबरीत की तरफ वापस लौट जाने के इम्कान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए कोशें की जाएँ कि रूस के आलमी रियासत का मालक बनने के इम्कान को भी ख़त्म किया जाए कोई भी बड़ी आलमी जंग पहले दो मकान को यकीनी बनाने में मौसर करदार अदा करेगी सिर्फ़ एक मौसर आलमी हुकूमत ही इस इम्कान से बचा सकती है और ये किसी भी सूरत में अमल में लाई जानी चाहिए धमकी के ज़रिए या ताकत के ज़रिए अगर पुरामन ज़राए कामयाब ना हो, एक अकेली आलमी रियासत ही मनतकी अंजाम है क्योंकि दुनिया दो बड़ी रियासतों रूस और अमरीका में बटी हुई है और अगला कदम एक वाहद रियासत की तश्कील होगा अगर दुनिया से जंग का ख़तरा दूर हो जाए तो तमाम इंसानी वसाइल को दुनिया भर से गुरबत दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा एक आलमी हुकूमत का मकसद आखिरकार ताकत और तशद पर क़ानून की बलादस्ती होगा आजकल जो है वो बिलियंस ट्रिलियंस जो डॉलर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मुख्तलिफ़ ममालक में जो सिविल वार्स हैं या जो वैसे वार्स कंट्रीज कंट्रीज़ के दरमियान हैं उन पर जो ये, ये ट्रेड हो रही है असले की ट्रिलियंस में अच्छा आगे अब नेक्स्ट जो ऐसे है उसकी हम करते हैं एक्सप्लेनेशन फंक्शंस ऑफ ए टीचर एक उसद के अमूर एक सदी पहले मल्लम का पेशा छोटा मगर बहुत महारत वाला महारत वाला पेशा समझा जाता था मगर अब ये आवाम की खिदमत का एक अहम और बड़ा पेशा बन चुका है मम का पेशा बहुत बाइज्ज़त रवायात का अमीन है मगर एक उस्ताद के वजायफ का तस्वुर बदल चुका है क्योंकि अब एक उस्ताद से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो जो बेहतर समझे पढ़ाए बल्कि इसे नौकरी देने वाले की मंशा के मुताबिक पढ़ाना पड़ता है पुराने वक्तों में रियासत इतना अख्तियार नहीं रखती थी कि वो मम को नौकरी से बर्खास्त करने में मुदाखलत करे मगर अब मम को जो टीचर है उसको ब्यूरोक्रेट के हुक्म के मुताबिक चलना पड़ता है रियासत के कंट्रोल में दी जाने वाली तलीमी इंसान को ना सोचने वाले ज़हनी मरीज़ बना सकती है और अपने बचाव के लिए टीचर को वो रास्ता इख्तियार करना पड़ता है जो रियासत इसके लिए तराशती है बनाती है तलीम को इस कौमियत को दबाना चाहिए जो ज़्यादातर ममालक अपने मजामीन में शामिल करना ज़रूरी ख्याल करते हैं यह तलीम को बिल्कुल बेकार ही बना डालती है जो सिर्फ़ बैन अमी सकाफतकार बनकर रह जाती है तलीम को हमेशा जहनी आज़ादी की ज़रूरत होती है लिखने पढ़ने की सलाहियत देना तो ज़रूरी है मगर ये उस्ताद के कम अहम वजायफ में से है एक उस्ताद का सबसे अहम काम यह है कि वो अपने शागिदों को भी इन असूलों और अकायद की तलीम दे जिन्हें वो पुख्ता राय में दानश मंदाना ख्याल करता है दुनिया भर के एक बड़े खिते में उस को मजबूर किया जाता है कि वो अंधे अकायद की तकलीद करें उनकी तलीम दें जिनके लिए रियासत इन्हें मजबूर करती है ये सिर्फ तसलसल का एक सहरा पैदा करने के मुतरद है उस्ताद का असल काम इसका एक एजेंट बनना नहीं बल्कि इसके खिलाफ तहफुज फ्राहम करना है एक असल उस्ताद को सियासी पार्टियों की कश्मकश से आज़ाद रहना चाहिए इसे तलबा में गैर जानबदारा तफ्तीश की आदत की हौसला अफजाई करनी चाहिए किसी भी मुतनाज़ सवाल के मतलब इसका नुक़ नज़र मुकम्मल तौर पर सवाल की नोयत के मुताबक़ होना चाहिए उस को चाहिए तहसीबोतमदन के मुहावज के तौर पर अमल करना चाहिए इन्हें जहनी सकाफत को फैलाना और रवाज देना उसको फैलाना आगे चाहिए एक सच्चे उस्ताद को मादियत यानी मटीरियलम से मावरा होना चाहिए अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए और शागिदों में दिलाना सोच की हौसला अफजाई करनी चाहिए इनके जाल माना बेरहम जज्बात पर काबू पाना चाहिए को ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए अगर इन्हें अपना सही फ़र्ज़ अदा करना है तो शगिर्दों पर इम्तहान की तैयारी का ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए इनकी सोच और तफ्तीश की आज़ादी को दबाना नहीं चाहिए उस को तलबा में पुरदबारी पैदा करनी चाहिए जो कि जमहूरियत डेमोक्रेसी की बका के लिए बेहद ज़रूरी है क्या पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए इसका फ़ैसला करने की इजाज़त उस को अपनी मर्ज़ी से होनी चाहिए क्या पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए इसका फ़ैसला करने जा मर्ज़ी से होने चाहिए ताकि किसी बेरुनी ताकत के ज़ेर असर इन्हें अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बुरुकार लाना चाहिए किसी बैरूनी ताक़त के ताकत जो है उसके जेर असर नहीं बल्कि ख़ुद अपनी जो तख्लीकी जो हैं उनकी सलाहियतें उनको बुरुकारे लाना चाहिए तो ये थी मेरी काविश तो उम्मीद है आप इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़